जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत देसी टेक अड्डा में। मेरा नाम है साहिल हुसैन। भाइयों, आज की वीडियो काफ़ी दुखद होने वाली है, क्योंकि अभी अभी हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि टिकटॉक प्ले स्टोर से पूरा बैन कर दिया जाए और iOS पे भी बिल्कुल बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटा क्या, बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है कि तीन दोस्त जो जा रहे थे दिल्ली और घूमने के लिए इंडिया गेट, उनसे क्या हो गया कि उनसे सडनली क्या हो गया, एक तीन दोस्त थे सलमान, सोहेल और आमिर शायद थे, उन्होंने क्या किया कि टिकटॉक पे वीडियो बनाने के चक्कर में उनके उनके हाथ में एक गन थी तो उनको चल गई थी, जिससे लग गई थी एक के, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो एक एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है भाइयों, जिस वजह से हाईकोर्ट ने कर दिया है कि बिल्कुल टिकटॉक बैन होना चाहिए हमारे इंडिया में, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी दुखद घटना हो रही है। पहले भी एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था कि 18+ कंटेंट आ रहा है, इसकी वजह से भी हाई कोर्ट इसको बैन कर सकता है, लेकिन फाइनली अपडेट आ गई है कि टिकटॉक पूरे तरीके से बैन होना चाहिए हमारे इंडिया में। ठीक है भाइयों, जैसा कि आप ले सकते हैं, मैं अपना टिकटॉक के ऊपर जा रहा हूँ, तो अभी तो मैं इस टिकटॉक एप्लीकेशन को चला पा रहा हूँ, ठीक है भाइयों। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि टिकटॉक एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल बैन हो जाएगी, ठीक है भाइयों। मैं इसको ऐसे बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बिल्कुल प्रूफ है, आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं आप इसको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर। तो भाइयों देखिए, एक बड़ी सी न्यूज़ आ रही है, टिकटॉक इंडियाज़ बैन वीडियो शेयरिंग ऐप, ठीक है। बिल्कुल, इसने हाई कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल चाइनीज़ ऐप है, इसको बिल्कुल बैन कर दिया जाए, इसकी वजह से हमारे इंडिया में गलत प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है भाइयों। ये देख सकते हैं भाइयों, ऐसी कुछ न्यूज़ आई है, आप जाके देख सकते हैं। विच अलाउ यूज़र टू मेक अ शेयर शॉर्ट वीडियो कैन स्टिल बी यूज दोज हु हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट ऑन देयर स्मार्टफोन। इंडिया सुप्रीम कोर्ट विच ऑन मंडे रिजेक्टेड टिकटॉक अपील टू सस्पेंड द ऑर्डर, इट्स इज टू हियर द केस अगेन और 22 अप्रैल। देख सकते हैं भाइयों, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। इससे एक्सीडेंट भी हो गया है हमारे इंडिया में, आप लोग को न्यूज़ में खबर आ रही होगी या फिर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, ठीक है भाइयों। यह काफ़ी हानिकारक ऐप बन चुका है हमारे इंडिया के लिए, इसीलिए हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि इसको पूरी तरीके से बैन हो जाए। अब आपके मन में भाइयों ये सवाल आ रहा होगा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जैसे मंजुल, फैजू, अदनान, हसनैन, ये सब का क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाइयों, जब तक ये टिकटॉक अनबैन नहीं हो जाता, ये लोग भी कुछ वीडियो उस पर नहीं डाल पाएंगे टिकटॉक के ऊपर, और चाहे जितना भी संभव कोशिश कोई कर ले, लेकिन वो टिकटॉक को अनबैन अभी इस समय नहीं करा सकता जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, ठीक है भाइयों। जैसा कि आपको मैं बैक ले जाके दिखाता हूँ कि टिकटॉक का एप्लीकेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है अभी, लेकिन कुछ समय बाद मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है भाइयों। बिल्कुल 18+ कंटेंट इस पे आ रहा था, तो हाई कोर्ट ने ये किया था कि हम इसको पहले से ही बैन कर देंगे, लेकिन टिकटॉक ने कुछ ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट लाए इसमें, जिसकी वजह से कि वो 18+ कंटेंट डिलीट होने लगे। लेकिन भाइयों जब से एक्सीडेंट हो गया है, तब से हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन होना चाहिए। हालांकि टिकटॉक की जो कंपनी है वो संभव कोशिश कर रही है कि हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे टिकटॉक को, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत गलत प्रभाव डाल रहा है, ठीक है भाइयों। तो मैं यही एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता था, अगर मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाइयों, टिकटॉक पूरी तरीके से बैन होने वाला है। मैंने आपको दिखाया भी गूगल क्रोम के ऊपर, अगर आप कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम के ऊपर देख सकते हैं भाइयों, ठीक है, जिसकी वजह से टिकटॉक बैन होने जा रहा है। जैसे कि आप कोई भी वीडियो चला रहे हैं, आपके कितने फ़ैन हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है भाइयों, चाहे आपके मिलियन हो, चाहे आप पॉपुलर क्रिएटर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लिए भी टिकटॉक बैन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। अगर आप सोच रहे हैं कि टिकटॉक हमारे लिए बैन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, टिकटॉक पूरी तरीके से सभी के लिए बैन होगा, पूरा इक्वल कानून है ये भारत सरकार की तरफ से कि टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। ये कल ही 16 अप्रैल को ये फैसला आया है कि टिकटॉक पूरी तरीके से हमारे इंडिया में बैन होना चाहिए, काफ़ी गलत प्रभाव डाल रहा है सबके ऊपर, इससे काफ़ी सारे लोगों की जो 18+ कंटेंट है इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है भाइयों, जो 18+ कंटेंट आ रहा है। आपकी क्या राय है टिकटॉक के ऊपर, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो बस मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाना चाहता था, समझाना चाहता था कि भाइयों अभी तो आप टिकटॉक ऐप चला पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरी तरीके से भारत में बैन हो जाएगा, ना ही प्ले स्टोर पर मिलेगा, ना ही iOS पर मिलेगा, कहीं भी ये टिकटॉक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो जो भी एप्लीकेशन आपके में डाउनलोड है टिकटॉक की, चाहे टिकटॉक लाइट हो या फिर टिकटॉक हो, वो पूरी तरीके से नहीं चलेगा, पूरी तरीके से एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगी, ठीक है भाइयों, एकदम अरे
आपका अकाउंट जैसे सस्पेंड हो गया हो मानो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो कुछ ही दिन बस ये टिकटॉक ऐसे चलेगा, चाहे माने लीजिए 2-3 दिन चलेगा, फिर उसके बाद पूरे तरीके से बैन हो जाएगा। अब ये अनबैन कब होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, जब भी होगा मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है भाइयों, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।